ऐसे मिथक हैं या दो ऐसी भ्रांतियां हैं जो चारों तरफ फैली हुई है। इतनी इस हद तक फैली हुई हैं कि बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन सब्जेक्ट से डर जाते हैं, क्योंकि ये भ्रांतियां हैं, यानी कि ये वो हाउ है जो बचपन में बच्चों को डराया जाता है कि चुपचाप सो जा वरना हाउ आ जाएगा, हाबू आ जाएगा, और वो बच्चा डर जाता है। और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने सारे बच्चों को उस हाउ से या हाबू से डराया गया। उसमें हो सकता है आप भी हों और मेरे जैसे भी हों। ये दो मिथक हैं, ये दो बातें हैं, वो कौन सी हैं? अगर वो समझ आ जाए, आप जान लें, तो आपको इस सब्जेक्ट के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। और इस सब्जेक्ट की कितनी सारी वैल्यू है वो तो आप जानते ही हैं, बट आप उस वैल्यू का लाभ भी उठा सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे दो बिंदुओं को लेके कि जो बच्चों को अमूमन बहुत परेशान करते हैं, बॉटनी के स्टूडेंट को, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या MSc में हो, कहीं पर भी हो, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा मेरा अब तक का अनुभव है। और स्टूडेंट्स से जब बात होती है तो स्टूडेंट्स ऐसा शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और ये चीज़ मैं पिछले 25 साल से लगातार देख रहा हूँ। तो पहला मिथक है कि बॉटनिकल नेम अगर किसी को याद हैं बहुत सारे तो समझो कि वो टैक्सोनॉमिस्ट है, यानी कि उसको टैक्सोनॉमी का फ़ायदा मिल जाएगा। डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बॉटनिकल नेम की कितनी सिग्निफिकेंट होती है, कितनी सिग्निफिकेंस है, आप किसी भी उस बच्चे से बात करिए जो जिसका MSc में स्पेशलाइजेशन टैक्सोनॉमी रहा हो, जिसका MSc में टैक्सोनॉमी स्पेशलाइजेशन रहा हो। हाँ, मैं इकोनॉमिक बॉटनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक बॉटनी में बेसिक बॉटनिकल नेम चाहिए, याद होने हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। बट टैक्सोनॉमी पेपर में बॉटनिकल नेम का रोल कितना है उस और किस प्रकार से है, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। मान लो आप किसी गांव में हैं और आप के बुखार हो गया, और आप किसी कोई व्यक्ति हैं जो वहाँ पे इलाज करते हैं, वैद्यराज जी हैं, और आप उनके पास गए और वैद्यराज जी ने आपको दवाई दे दी और आप ठीक हो गए, और आपने पूछा लो क्या है, तो वो बता देंगे कि साहब फला 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 ये मौसम चेंज हो गया है, ये मौसमी बुखार है, ये है वो है, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे। ओके, सेम उसी का अगला वर्जन कि आपके बुखार हुआ है और आप किसी बड़े हॉस्पिटल गए, SMS गए हैं, बड़े डॉक्टर के पास गए, बड़े हॉस्पिटल के पास गए, तो वहाँ पे आपकी वो सारी जांचें की जाएंगी और जांच करने के बाद वो सीधी दवाई देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। अब बताइए कि दोनों में से सही कौन सा है? अगर आप पहली मेथड को सही मानते हैं तो ये आपका मिथक सच है आपके लिए, बट आप अगर दूसरी मेथड को मानते हैं कि साहब बुखार हुआ, पूरी जांच हो गई और असल में रीज़न, जबकि यहाँ बड़े हॉस्पिटल के और बड़े जांच होने बाद डॉक्टर आपको ये भी नहीं बताता कि बुखार हुआ क्यों, शेरवम डिजीज का नाम लिखते हैं। तो यानी कि टैक्सोनॉमी बॉटनिकल नेम याद करने का साइंस नहीं है, टैक्सोनॉमी बॉटनिकल नेम को एक्सप्लोर करने का साइंस है। बॉटनिकल नेम एक्सप्लोर करते हैं हम, टैक्सोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बॉटनिकल नेम रखे जाते हैं, ये प्रोसेस जानने का है, ना कि सिर्फ रटने का। तो पहला मिथक है। और अगर आपको बॉटनिकल नेम नहीं याद रहते और बिल्कुल भी याद नहीं रहते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीबोगरीब से लगते हैं, तो अगर आपको चांस मिलता है, अगर आप UG में हैं, BSc में हैं, तो इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए और अपने टीचर से बहुत सारे सवाल पूछिए। अगर आप MSc में हैं तो आप इसको एज ए स्पेशल पेपर लीजिए, अगर आपको मिलता है तो। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसको अच्छे से पढ़िए और आप जानेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग सा और कितना अच्छा सा एक सब्जेक्ट है, छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट है, जिसमें
इतना तो अच्छे प्रैक्टिकल और इतना अच्छे से कंसेप्ट, कहीं कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, जो कुछ है वो हमारे सामने होता है। नंबर दो, दूसरा मिथक कि ये तो पुराना सब्जेक्ट है, ये तो एंशियंट सब्जेक्ट है। जी हाँ, एंशियंट सब्जेक्ट है, बट जब आप मॉडर्न सब्जेक्ट की बात करेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट को ले लो, और जब आपका जो नेट का एग्ज़ाम, JRF का, IAS का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बात करेंगे, उसमें जो आपके मॉडर्न सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन आते हैं, उतने ही क्वेश्चन इससे आते हैं, और पिछले कुछ सालों से तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिएगा सैंपल पेपर को उठा के, और बड़ी चीज़ कि इसमें अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार, यानी कि यूँ समझो कि यहाँ फॉर्मूले की तरह स्टडी होती है, अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो आप उस फॉर्मूले बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल बैकबोन है, यानी कि हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करती है, उतनी है, बेशक ये एंशियंट है। और एंशियंट होने का एक फ़ायदा मिलता है कि पूरा लिटरेचर है, आपके मन में जो भी सवाल आ जाएगा उसका आपको आंसर मिलेगा। तो अगर आपके मिथक हैं और अभी भी ये मिथक आपके कायम हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मिथक लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, आपको मैं अगले वीडियो के रूप में आंसर दूंगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए।